अस्सलामुअलैकुम स्पोर्ट्स एंड पेट्स के व्यूअर्स के लिए इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने दौरा बांग्लादेश के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। मुतफिका तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल तरतीब दिया है और बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5.5 साल बाद बांग्लादेश का दौरा करेगी। बांग्लादेश के दौरे के दौरान पाकिस्तान टीम पहले 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी और उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस भी खेले जाएंगे। बांग्लादेश के दौरे में खेले जाने वाले दोनों टेस्ट मैचेस ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। दौरे में शामिल तमाम T20 इंटरनेशनल मैचेस शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच 19 नवंबर जबकि दूसरा 20 नवंबर और तीसरा 22 नवंबर को खेला जाएगा। दोनों टीमों के माबैन टेस्ट सीरीज का पहला मैच जहूर अहमद चौधरी क्रिकेट स्टेडियम चटागोंग में खेले जाएंगे। पहला मैच 26 से 30 नवंबर तक जारी रहेगा जबकि सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 4 से 8 दिसंबर तक ढाका में खेला जाएगा। इस वक्त अगर बात की जाए तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की टीम 1 जीत के साथ फिलहाल दूसरे नंबर पर मौजूद है और अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश में दोनों टेस्ट मैचेस में फतह मिलती है तो पाकिस्तान की टीम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप पर आ जाएगी। जबकि बांग्लादेश ने चैंपियनशिप में अपने सफर का आगाज अभी नहीं किया और पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस से वो अपना ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप के सफर का आगाज करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम की बांग्लादेश रवानगी की तारीख का ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप के बाद करेगा।